अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर डिस्कसिंग पेपर वन इन माई लास्ट वीडियो, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर कि प्रोबेबिलिटी का ट्री डायग्राम डिस्कस करें, बच्चों को इश्यूज हैं उसके अंदर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इश्यूज को रिजॉल्व कर सकूँ। तो ट्री डायग्राम बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ट्री डायग्राम भी पॉसिबल आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है नॉर्मली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन अ बेग देयर आर फोर red balls and six white balls। तो अगर बैग में से आपने रेंडमली दो बॉल्स निकालनी हो या तीन बॉल्स निकालनी हो तो उसके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए हम ट्री डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ट्री डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ ट्री डायग्राम को, देन हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, रेड एंड वाइट, एंड देन हमने दो बॉल्स निकालनी है रेंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, तो सेकंड में हमारे पास है रेड एंड वाइट, देन रेड एंड वाइट। तो इसके हम निकालते हैं ट्री डायग्राम बेसिकली बनता कैसा है। अक्सर ट्री डायग्राम बना हुआ होता है, आपने सिर्फ जस्ट फिल करना होता है, और अक्सर आपने पूरा ट्री डायग्राम बनाना होता है। अच्छा जी, लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन। सो हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर इन द फर्स्ट ऑप्शन, जब हम बैग में फर्स्ट बॉल निकालेंगे और फिर सेकंड जब निकालेंगे तो क्या क्या हमारे पास कंडीशन होगी। जब हम फर्स्ट बॉल निकाल रहे होंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे, सो देयर आर टोटल 10 बॉल्स इन अ बैग, फोर रेड बॉल्स एंड सिक्स वाइट बॉल्स, सो यू नीड टू पुट द टोटल इन द डिनोमिनेटर फर्स्ट, सो देयर आर 10 बॉल्स ओवरऑल इन द बैग। उसके बाद आपने चेक करना है कि रेड बॉल्स, टोटल रेड बॉल्स कितनी है, कि रेड बॉल निकलने के फर्स्ट में चांस है 4 और वाइट बॉल निकलने के चांस है 6। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि इन ट्री का जो सम होता है इट ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपके पास अगर टोटल दो ऑप्शन हैं तो अगर एक ऑप्शन 4 out of 10 है तो अक्सर क्या होता है क्वेश्चन के अंदर सेकंड ऑप्शन मिस होता है। तो सेकंड ऑप्शन आप नॉर्मली कैसे निकालेंगे, अगर फर्स्ट ऑप्शन 4 out of 10 है तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, तो टोटल में से फर्स्ट ऑप्शन माइनस कर दो। टोटल टेन है, 10 बॉल्स है, 10 में से फर्स्ट ऑप्शन मीन्स रेड बॉल माइनस कर दिया विच इज 4, तो टोटल जो बचेगी वाइट वो बचेगी 6। तो आपने इस तरह से फाइंड आउट करना होता है। अगर टोटल दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन आपके पास गिवन हो, दूसरा कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल में से फर्स्ट ऑप्शन को माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर दो भाई हैं, उनके वालिद ने पैसे दिए आपको 100 rupees के, बोला एक भाई 40 ले ले, तो दूसरे भाई के पैसे कितने होंगे, टोटल में से 40 माइनस कर दो, यू विल गेट द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये तरीका है आपके पास फर्स्ट एंट्री को फिल करने का। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे पास सेकेंड बॉल अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या चांसेस हो सकते हैं। फर्स्ट में जब आप बॉल निकाल रहे थे तो रेड भी निकल सकता था और वाइट भी निकल सकता था, 4 चांसेस थे रेड के निकलने के और 6 चांसेस थे वाइट के निकलने के। अच्छा जी, जब सेकंड बॉल आप निकालेंगे तो बैग के अंदर टोटल आपके पास ऑप्शन बचेंगे 9, बैग के अंदर टोटल ऑप्शन बचेंगे आपके पास 9, क्योंकि एक बॉल आप निकाल चुके हो तो टोटल 9 ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। अगर रेड बॉल निकलना, क्योंकि ये टोटल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं हम, अगर रेड बॉल निकलता है फर्स्ट में तो सेकंड में हमारे पास रेड बॉल रह जाता है 3। अगर फर्स्ट में से, अगर आप रेड से आगे जा रहे हो, इट मींस आपका पहले ऑप्शन में रेड बॉल निकला है। अगर पहले ऑप्शन में रेड बॉल आपका निकला है तो बैग के अंदर टोटल कितने बॉल्स रह जाएंगे, रेड बॉल्स कितने रह जाएंगे, 3, पहले 4 थे अब 3 हो गए। अगर रेड 3 out of 9 है तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक ऑप्शन बताओ ट्री का, दूसरे ऑप्शन के लिए टोटल 9 है, अब 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाइट बचेंगे 6। ये तो कंडीशन है अगर आपके पास पहला बॉल निकलता है रेड। अगर पहला बॉल रेड निकलता है तो आगे आपके पास रेड और वाइट निकलने के ये चांस है, ओके। लेकिन जरूरी तो नहीं है पहला रेड बॉल निकले। अगर पहला वाइट बॉल निकलता है, जो मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं, अगर पहला आपका वाइट बॉल निकलता है तो आगे रेड और वाइट निकलने के क्या चांसेस है, वो भी हमने फिल करने हैं। तो अगर पहला वाइट बॉल निकलता है तो सेकंड बॉल निकलने के टोटल चांसेस हो जाएंगे 9 out of 9, क्योंकि एक बॉल वाइट निकल चुका है। अगर वाइट बॉल निकला है एक, तो पहले 6 थे वाइट बॉल, अब कितने बचेंगे, अब बचेंगे 5। अगर ये 5 out of 9 है तो सेकंड ऑप्शन हमारा कैसे निकालते हैं हम, टोटल में से फर्स्ट ऑप्शन माइनस कर दो, 9 में से 5 माइनस करेंगे, सेकंड ऑप्शन होगा हमारे पास 4 out of 9, ठीक है। तो दिस इज द वे टू कंप्लीट द ट्री डायग्राम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन बनाने हैं, आपने टोटल ऑप्शन कितने बनते हैं, तो आपके पास ये एक ऑप्शन है कि दोनों बॉल रेड निकल सकती है, पहले भी रेड निकले दूसरी भी रेड निकले, ये चांस है रेड रेड के निकलने का, ओके। आपका ये भी हो सकता है कि पहले रेड निकले और फिर वाइट निकले, तो ये चांस है रेड वाइट निकलने का,
ये भी हो सकता है कि पहली वाइट निकले और फिर रेड निकले, तो ये चांस है आपके पास वाइट और रेड बॉल निकलने का, और ये भी हो सकता है कि दोनों बॉल वाइट निकले, तो ये टोटल आपके पास चांसेस है। ओके, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन यू पिक द टू बॉल्स बोथ आर हैविंग डिफरेंट कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग डिफरेंट कलर्स, दो डिफरेंट कलर बॉल निकलने के क्या चांसेस हैं। डिफरेंट कलर बॉल निकलने के चांसेस है हमारे पास ये RW, इसका मतलब है एक रेड और एक W, एक वाइट और WR, इट मीन्स एक वाइट बॉल निकल ली और एक रेड बॉल निकल ली, तो ये डिफरेंट कलर बॉल्स निकलने के चांसेस है। तो इसको अगर हम फिल करते हैं तो हमारे पास दो चांसेस है डिफरेंट बॉल निकलने के, प्रोबेबिलिटी ऑफ RW और प्रोबेबिलिटी ऑफ WR, ठीक है, दीज आर द टू चांसेस, और का मतलब होता है हमारे पास प्लस, ठीक है। तो RW कैसे निकलेगा, पहला R और दूसरा W, उसके निकलने के चांस ये हैं R और W, R फर्स्ट में आ रहा है उसका चांस है 4 out of 10, एंड एंड मींस मल्टीप्लाई, और फिर W आया उसके चांसेस 6 out of 9। तो ये तो आपके पास हो गया, पहला रेड है और दूसरा वाइट है, ठीक है, और मींस प्लस, फिर पहला वाइट है और दूसरा रेड है, तो ये WR के चांसेस हैं, ये दो आपके पास 6 out of 10, एंड मींस मल्टीप्लाई, फिर रेड है 4 out of 9, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4 6 24 10 9 90 plus 6 4 24, कैंसिल ना करें बाद में, फिर न्यूमरेटर को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, तो राइट 91 टाइम, 24 प्लस 24 48। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 24 2 2 2 4 245। अब 3 के टेबल में आते हैं दोनों, 3 8 24 3 1 3 5 15, तो ये आपके पास आ गया 8 out of 15, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस निकल सकते हैं, जैसे ये डिफरेंट कलर का ऑप्शन आ जाए, अगर एग्जामिनर बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टू रेड बॉल्स, सो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ RR, मींस RR को मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट आर है 4 upon 10 और सेकेंड आर है 3 upon 9, तो RR का एक ही चांस था, बोथ बॉल्स आर रेड, ये एक ही चांस था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और तब आता है जब आपके पास आंसर में एक से ज्यादा ऑप्शन हो, ठीक है। और एक और चीज देख लें, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, हाईलाइट कर देता हूं मैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल चांसेस इज इक्वल टू 1। एग्जांपल, सम ऑफ ऑल चांसेस मतलब जैसे हमारे पास पहला चांस आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ RR, फिर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ RW, फिर आ रहा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ WR, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ WW। दो बॉल्स निकालें, या तो दोनों रेड रेड निकल सकती है, ये हो सकता है, या पहली रेड निकले फिर वाइट निकले, फिर वाइट और रेड निकले और दोनों वाइट निकले, इसके अलावा और हमारे पास कोई भी चांसेस नहीं हो सकते। तो इन सब चांसेस का जो सम है, इन सब का जो ऐड करोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ RR प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ RW प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ WR प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ WW, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, इन सब का जब आप सम करेंगे तो योर आंसर विल बी 1, इट्स आउट ऑफ 1, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास बेसिक ट्री डायग्राम के हवाले से, अब पास पेपर के क्वेश्चंस पे आते हैं। ट्री डायग्राम हमारे पास गिवन है, 3 circles हैं 4 circles हैं और 2 triangles हैं इसके अंदर। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन में फिल किया हुआ है 4 out of 6, और इसका भी फर्स्ट ऑप्शन आपके पास फिल किया हुआ है 3 out of 5, बाकी ऑप्शन हम फिल करते हैं। एज आई टोल्ड यू, आपके पास टोटल 2 ऑप्शन है, सर्किल और ट्राइंगल। अगर फर्स्ट ऑप्शन 4 out of 6 है तो सेकेंड ऑप्शन कैसे निकलता है, टोटल में से, माने 6 total है आपके पास, टोटल में से फर्स्ट ऑप्शन माइनस कर दो, 6 में से 4 गए, 2 out of 6। दूसरा आप तरीका ये भी देख सकते हो, देर आर 2 triangles out of 6 objects, तो 2 triangles out of 6 objects, तो ये भी एक तरीका है। अच्छा जी, ये तो हो गया फर्स्ट ट्री कंप्लीट, उसके बाद सेकंड पे आएंगे तो टोटल में से एक कम हो जाता है, जैसे आई टोल्ड यू यहाँ पे देखें 5 है। जब आप सेकंड पिक कर रहे होंगे डायग्राम तो आपने आउट ऑफ 5 करना होगा, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन 3 out of 5 है
तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, टोटल फाइव है, फर्स्ट ऑप्शन थ्री है, टोटल में से फर्स्ट ऑप्शन माइनस करें तो सेकंड ऑप्शन होगा टू आउट ऑफ फाइव। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अगर पहला सर्किल निकलता है तो दूसरा सर्किल और ट्राइंगल निकलने के क्या चांसेस है वो हमने फिल कर दिया। अगर फर्स्ट ऑप्शन में ट्राइंगल पिक होता है तो फिर आगे सर्किल और ट्राइंगल के क्या चांसेस है, ट्राइंगल अगर सेलेक्ट हुआ सेकेंड ऑप्शन में टोटल आउट ऑफ फाइव हो जाएगा, आउट ऑफ फाइव हो जाएगा। अगर ट्राइंगल सेलेक्ट हुआ टोटल टू ट्राइंगल्स थे, अगर एक ट्राइंगल सेलेक्ट हो गया तो सेकेंड अटेम्प्ट में ट्राइंगल निकलने का एक चांस होगा, वन आउट ऑफ फाइव। अगर ये वन आउट ऑफ फाइव है तो सेकेंड ऑप्शन कैसे निकालते हैं, टोटल में से फर्स्ट ऑप्शन टोटल फाइव है, फाइव में से वन माइनस किया तो सर्किल निकलने का चांस होगा सेकेंड ऑप्शन में फोर आउट ऑफ फाइव, अगर फर्स्ट ट्राइंगल निकलता है। तो ये आपके पास ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया, इसके टू मार्क्स हैं। ट्री कंप्लीट करने के उसके बाद जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल करनी है आप लोगों ने। अच्छा जी, तो ये आपके पास ऑप्शन है, इस ऑप्शन को फिल करते हैं अब हम। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द शेप्स ऑन नीनास टू कार्ड्स आर सेम, मींस के अगर आपके पास दो कार्ड्स हम निकालें तो उसमें सेम कलर का ऑप्शन है तो उसके क्या चांसेस होंगे। अब सेम ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये ऑप्शन है सर्किल सर्किल का, ये ऑप्शन है सर्किल ट्राइंगल का, ये ऑप्शन है हमारे पास ट्राइंगल सर्किल का, और ये ऑप्शन है ट्राइंगल ट्राइंगल का। अब दोनों में सेम आया उसके हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है एक सर्किल सर्किल और दूसरा ऑप्शन ये है ट्राइंगल ट्राइंगल का। ओके, तो दीज आर द टू चांसेस, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम शेप, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर सर्किल, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ट्राइंगल्स। ठीक है, दोनों सर्किल आए उसके हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सर्किल का फोर आउट ऑफ सिक्स, फोर आउट ऑफ सिक्स। दोबारा सर्किल आया उसका ऑप्शन है थ्री आउट ऑफ फाइव, और का मतलब होता है प्लस। दोनों ट्राइंगल आए उसके क्या चांस है, पहला ट्राइंगल आया उसके चांस है टू आउट ऑफ सिक्स, दोबारा ट्राइंगल आया उसके चांस है वन आउट ऑफ फाइव। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, प्लस टू वन ज़ा टू, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी। तो इसका टोटल ऑप्शन हो गया थर्टी, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, थर्टी को एक बार लिखा, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन आउट ऑफ थर्टी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, टू सेवन ज़ा टू फिफ्टीन, सेवन आउट ऑफ फिफ्टीन। तो ये इसका आंसर हो गया। दोबारा से इसको चेक करते हैं हम कि किस तरह से इसके आंसर निकलेंगे। दोनों सेम शेप आए, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि दोनों शेप सेम हो, तो दोनों सेम शेप हो उसके क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सर्किल हो, एक ये हो सकता है बोथ आर सर्किल, ये सेम शेप का ऑप्शन है, और बोथ आर ट्राइंगल्स, ये सेम शेप का ऑप्शन है। अगर इसी तरह से एग्जामिनर अगर बोलता कि दोनों डिफरेंट शेप हो तो हम इस शेप का आंसर निकालते, इस ऑप्शन का आंसर निकालते, मतलब सर्किल और ट्राइंगल का आंसर निकालते, ट्राइंगल और सर्किल का आंसर निकालते, दीज आर टू डिफरेंट शेप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों के आंसर निकाल के प्लस कर देते तो ये हमारे पास आंसर आ जाता। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सिमिलर टू रिलेटेड टू ट्री डायग्राम। इन टर्म ऑफ एन वाला हम लोग डिस्कस करते हैं, लुक एट दिस क्वेश्चन। अब एक कंटेन थ्री ऑफ द बॉल्स, अब एक कंटेन एन बॉल्स, माने टोटल टोटल हमारे पास एन है, टोटल ऑप्शन हमारे पास क्या है, टोटल एन बॉल्स है, हमें तादाद नहीं पता, हमने एन कंसीडर कर लिया। थ्री ऑफ द बॉल्स आर वाइट, उसमें से वाइट बॉल्स जो होंगे वो कितने, थ्री हैं। एंड टू बॉल्स आर टेकन फ्रॉम द पिक एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, दो बॉल्स निकालनी है, एक वाइट है, ऑप्शन क्या है, वाइट और नॉट वाइट। टोटल अगर हमारे पास ऑप्शन दो है, टोटल एन है हमारे पास, वाइट थ्री है, तो नॉट वाइट कितना होगा, टोटल में से वाइट माइनस कर दो तो जो बाकी बचेगा वो नॉट वाइट होगा। जब भी हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं तो सेकंड ऑप्शन कैसे निकलता है, टोटल माइनस फर्स्ट ऑप्शन, टोटल एन था, टोटल माइनस फर्स्ट ऑप्शन, तो यू विल गेट द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब देखें, टोटल हमारे पास एन है, एग्जामिनर ने बोला टू बॉल्स निकालने विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो टोटल हमारे पास एन है और फर्स्ट जो वाइट बॉल है वो थ्री है, तो टोटल एन है हमारे पास, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो कैसे आएगा, टोटल में से फर्स्ट ऑप्शन माइनस करके। ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द सेकंड ऑप्शन, इफ द वैल्यू इन टर्म ऑफ एन आर गिवन टू यू और एनी टाइप ऑफ वैल्यू विल बी गिवन टू यू, नंबर में गिवन हो तो भी कोई इशू नहीं है, इन टर्म ऑफ एन गिवन है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर फर्स्ट बॉल आपकी वाइट निकलती है, अगर आप वाइट से आगे जा रहे हो तो सेकंड अटेम्प्ट में टोटल में से एक कम हो जाता है, टोटल एन है, अगर टेन होता तो नाइन हो जाता है यहाँ पे, अब यहाँ पे एन है तो टोटल में से एक कम हो गया, एन माइनस वन हो गया, तो टोटल में से एक कम कर देता हूँ मैं, एन माइनस वन। ठीक है, आपका तरीकेकार क्या है, अगर आप वाइट से आगे जा रहे हो तो वाइट थ्री था, अब वाइट हो गया टू। ओके,
जब आप व्हाइट से आगे जाओगे, जिस ट्री से आप आगे जाओगे वो रिड्यूस होगा, सेकंड वाला ट्री जो होगा वो सेकंड ऑप्शन में सेम नंबर रहेगा, इसका मतलब सेकंड वाला जो है वो एन माइनस थ्री रहेगा. ओके, दिस इज द वे टू कंप्लीट द ट्री. अब आ जाते हैं हम सेकंड पे. अब हम जा रहे हैं नॉट, अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास नॉट व्हाइट निकलता है तो सेकंड ऑप्शन में नॉट व्हाइट निकलने के क्या चांस होंगे. एज आई टोल्ड यू कि टोटल में से एक कम हो जाता है, पहले तो हमने वो करना है, क्योंकि जब हम सेकंड बॉल निकाल रहे होंगे, अगर फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 10 बॉल निकलने के चांस होते हैं तो जब सेकंड बॉल निकाल रहे होते हैं तो 9 ऑप्शन होते हैं, 9 ऑप्शन रिमेनिंग रह जाते हैं. अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास एन था तो सेकंड में आपका ऑप्शन रह जाएगा टोटल में से एक कम, मतलब एन में से एक कम, एन माइनस वन. ओके, अगर आप नॉट व्हाइट से आगे जा रहे हो तो नॉट व्हाइट रिड्यूस होगा, व्हाइट सेम रहेगा, जैसे व्हाइट थ्री था तो नॉट व्हाइट से आगे जा रहे हो तो अब देखो सेकंड ऑप्शन में व्हाइट सेम है, नॉट व्हाइट एक कम हो जाएगा. जब मैं इसको एक कम करूंगा, माइनस वन करूंगा, तो पहले एन माइनस थ्री था, अब हो जाएगा एन माइनस थ्री माइनस वन बिकम एन माइनस फोर. तो ये तो हो गया हमारा ट्री कंप्लीट. ठीक है, पहले तो आपके 2 मार्क्स ट्री को कंप्लीट करने के होंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो आपने फुलफिल करनी है. हमारे पास जो टोटल चांसेस बचते हैं बनते हैं वो क्या बनते हैं, दोनों व्हाइट निकले, एक चांस ये है, ये दोनों व्हाइट निकलने का चांस है. फर्स्ट व्हाइट निकले, सेकंड नॉट व्हाइट निकले, ये हमारे पास चांस है फर्स्ट व्हाइट निकले और सेकंड नॉट व्हाइट निकले. ठीक है, फिर हमारे पास चांस है फर्स्ट नॉट व्हाइट निकले और फिर व्हाइट निकले, नॉट व्हाइट एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और व्हाइट व्हाइट. ठीक है, और फिर हमारे पास है कि दोनों नॉट व्हाइट निकले, मतलब व्हाइट के अलावा निकले, दोनों नॉट व्हाइट निकले. तो दीज आर द पॉसिबल ऑप्शंस कि जब हम दो बॉल्स निकालें दोनों व्हाइट निकल सकते हैं, ये भी एक चांस है. दो बॉल्स निकाले पहले व्हाइट निकले फिर नॉट व्हाइट निकले, ये भी एक चांस है. फिर बॉल निकाले पहले नॉट व्हाइट निकले फिर व्हाइट निकले, ये भी एक चांस है. और फिर दोनों नॉट व्हाइट निकले, ये भी एक चांस है. अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर व्हाइट. फाइंड नहीं करना, इसमें आंसर दिया हुआ है, हमने सिंप्लीफाई करके प्रूव करना है. द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर व्हाइट इज 1/15. दोनों बॉल्स व्हाइट निकले उसके चांसेस हैं 1/15. ठीक है, आपने शो करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आना चाहिए. लेट्स ट्राई. अच्छा जी, बोथ बॉल्स आर व्हाइट, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ WW. अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर व्हाइट के कितने ऑप्शन है. उसका हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, व्हाइट व्हाइट. ये रहा वो ऑप्शन, व्हाइट व्हाइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर व्हाइट, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया. तो किसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर व्हाइट इज 1/15. इसका जो प्रोबेबिलिटी है 1/15 के इक्वल है. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. बोथ बॉल्स आर व्हाइट, पहली बॉल व्हाइट है, उसका ऑप्शन है 3/n. ये रहा पहली बॉल व्हाइट, फर्स्ट बॉल व्हाइट, फर्स्ट बॉल ये रहा. ठीक है, दूसरी बॉल भी व्हाइट है, उसका ऑप्शन ये रहा 2/n-1. फर्स्ट एंड सेकंड बॉल आर व्हाइट, एंड मींस मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड सेकंड बॉल आर व्हाइट, दीज आर द टू ऑप्शन जिसमें पहली बॉल भी व्हाइट हो एंड सेकंड बॉल भी व्हाइट हो. इसका 1/ आंसर जो है 1/15 के इक्वल है. क्वेश्चन में गिवन है कि द टू बॉल्स आर व्हाइट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1/15. तो मैंने दोनों बॉल व्हाइट है उसके चांसेस लिखे, 3/n फर्स्ट का चांस है, 2/n-1 सेकंड का चांस है, दोनों बॉल व्हाइट है, इज इक्वल टू 1/15. अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आना चाहिए. लेट्स सिंप्लीफाई इट. 3 × 2 = 6, n × n, n × n, n² n × -1 -n इज इक्वल टू 1/15. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग देम, 15 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से सिंगल टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, 15 × 6 = 90, n² - n डिवाइड हो, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n² - n. तो आपका आंसर आया n² - n + 60, 15 × 6 = 90. तो -90 इज इक्वल टू 0. इस साइड पे लिखूं या इस साइड पे लिखूं एक ही बात है. सो ये आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई कि सिंप्लीफाई बोथ बॉल्स आर वाइट का जो ऑप्शन है वो इक्वल है n² - n - 90 के. अब इसको सॉल्व करना है, आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर सकते हैं. ये आज का टॉपिक नहीं है, आप लोग इसकी वीडियो देख सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग की या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, तो आप लोग इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो ये आपके पास हो गया प्रोबेबिलिटी को कुछ बेसिक चीज़ें. अब जब रिपीट नहीं होता उसका फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. मैंने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें. और फॉर मोर वीडियोज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी वीडियोज़ बनाएंगे प्रोबेबिलिटी की, ताकि आप लोगों को पेपर्स में आसानी हो सके. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.